वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज दूसरा दिन है हमारा उत्तराखंड में। तो अभी अभी हम उठ रहे हैं, मैं पूजा देख सकते हो ये उठ रहे हैं तो, और हम जा रहे हैं ब्रश वगैरह करने के लिए नीचे, क्योंकि यहाँ पर पानी घर पे होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा दूर दूर जाना पड़ता है। इनके घर तो काफी दूर है, तो यहाँ थोड़ा पानी की प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इन फ्यूचर सॉल्व करेंगे। कैसे वो करेंगे वो अभी मैंने सोचा नहीं है बट करेंगे। तो यहाँ पर वेदर की बात करें तो मॉर्निंग में और इवनिंग में वेदर काफ़ी अच्छा है। रात में हम कंबल वगैरह ओढ़ के सोए थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, बट दिन में वही गर्मी दिल्ली वाला हिसाब हो रहा है, पसीने आ ही रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट नेचर तो यहाँ पर आपको पता ही है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब चीज़ फ्रेश है। यहाँ पर अनार भी होते हैं, मैं आपको अनार दिखाता हूँ। अनार, अंगूर, केले, सब चीज़ नेचुरल है। ये देखो ये लगे हुए हैं अनार। तो ये चीज़ तो यहाँ पर है, यहाँ पर सब कुछ नेचुरल है। मैं आपको अभी बनाना भी दिखाऊंगा और ग्रेप्स भी दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हमें नीचे जाना पड़ता है ब्रश वगैरह करने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ नीचे। और अभी हमें थोड़ी देर में अपने सेकंड नंबर वाले ताऊ जी के वहाँ जाना है, जो कि वहाँ रहते हैं सामने, वो आप देख सकते हैं। जूम करके दिखाता हूँ आपको, इतनी दूर जाना है हमने। तो यहाँ तो ऐसे ही है, अप डाउन करना पड़ता है, पहले ऊपर चढ़ो देन नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। तो यहाँ पर ऐसे दोस्तों देखो बिल्कुल फ्रेश ग्रेप्स हैं, अभी तोड़े मैंने यहाँ से। ये है पेड़ अंगूरों का, तो यहाँ से हमने भी फ्रेश तोड़े हैं। देखो ऑसम, मीठे हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी सुसानी, यहाँ से हम पानी भरते हैं पीने के लिए, और यहाँ का पानी काफ़ी मीठा होता है और बहुत ठंडा, फ्रीज भी मतलब फेल है इसके सामने। और ये पानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्रोत से आता है पानी, मतलब इसका ज़मीन से पानी निकलता है ये। और ये बोले ये हमारे भगवान है, क्योंकि ये पानी का उद्धार करते हैं।